तीन कृषि कानून को लेकर किसान अड़े हैं, दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, बिना कानून में बदलाव किए वापस जाने को तैयार नहीं है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसान हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि नए कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये कानून हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो हमारे कानून जिसको हम वापस करवाने के लिए आए हैं उसको वापस करके हमें वापस खुशी खुशी यहाँ से हमें वापस किया जाए। मिलते जान बार बार मिलते जान, वो बोलते हैं कि मिलो हम तुम्हारे को समझाएंगे। हम समझे हुए हैं, हम खेती करते हैं, देखो हमारे जो हाथ है इनमें गंडे पड़ी है, ये देखो इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो हमारे इतने जो बच्चे भी है ना वो भी हमारे साथ ठंड में गर्मी में काम करते हैं, हमारी मेहनत का तो पहले मूल नहीं पड़ रहा। कृषि कानून को लेकर एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ सियासी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हुई है। किसानों को ढाल बनाकर सियासी पार्टियां सरकार पर हमलावर होती जा रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। किसानों को बरगलाने और उनका वर्षों तक छल करने का आरोप लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हर सौदे को लेकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानी किसानों को अब नए विकल्प मिले हैं और धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। मोदी ने कहा कि नए विकल्प से ही कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि विरोध का आधार भ्रम फैलाकर किया गया है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के साथ वर्षों तक छल किया। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि एमएसपी पर किसानों के साथ वर्षों तक छल किया गया, किसानों के नाम पर कर्ज माफी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी लेकिन वो पैसा पहुंचता नहीं था। उन्होंने कहा कि भ्रम को आधार बनाकर दुष्प्रचार फैलाया गया कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के बैंक खाते तक पैसे पहुंचे उसका हमारी सरकार ने प्रबंध किया। उन्होंने कहा कि अगर दाल की पॉलिसी के बारे में बात करें तो 2014 से पहले 5 सालों में 650 करोड़ की दाल ही एमएसपी पर खरीदी गई थी, लेकिन हमने 5 सालों में करीब 49,000 करोड़ यानी करीब 50,000 करोड़ की दालें एमएसपी पर खरीदी है, यानी 75 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हमारे जो पहले वाली सरकार थी उसके 5 सालों में लगभग 650 करोड़ रुपए की ही दाल किसान से खरीदी गई थी। हमारे 5 सालों में हमने लगभग 49,000 करोड़ यानी करीब 50,000 करोड़ रुपए की दालें एमएसपी पर खरीदी है, यानी लगभग 75 गुना बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को याद दिलाया कि 2014 से पहले के 5 वर्षों के दौरान यानी यूपीए 2 के दौरान एमएसपी के दरों पर 2 लाख करोड़ की धान की खरीदारी की गई, जबकि 2014 के बाद 5 वर्षों के दौरान 5 लाख करोड़ की एमएसपी रेट पर धान की खरीदारी की गई। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से पहले 5 वर्षों के दौरान यूपीए 2 सरकार में किसानों को एमएसपी रेट गेहूं का मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपए मिला, जबकि 2015 के बाद 5 वर्षों के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीदारी की गई, जो कि दोगुनी है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को उनके शासनकाल की भी याद दिलाई। विपक्ष किसान के बहाने सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, तो सरकार कह रही है ये कानून किसानों के हित में है। अब देखना होगा कि किसान पीएम की बातों को कितना समझ पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।